दोस्तों कंतारा फिल्म जब से रिलीज़ हुई है तब से ये फिल्म तबाही मचा रही है अक्रॉस इंडिया और इंडिया के बाहर भी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने KGF का फुटफॉल्स भी पार कर लिया है। ये है कंतारा, 100 करोड़ अकेला कन्नड़ा में किया है, ये बड़ी बात है। अब हम मैं बात करने वाला हूँ कंतारा हिंदी के बारे में, और इस जो हिंदी डब हुआ था ये बहुत फटाफट हुआ था जिसे आपको पता है, और इसके जो गाने जो जिसने गाए हैं उनको अभी तक उस गाने का क्रेडिट नहीं मिला है। मेरे साथ फिलहाल मौजूद है मुनव्वर अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ आ जाइए। और आपसे ये जानना चाहूँगा मुनव्वर भाई, हमने देखी है कंतारा ओरिजिनल भी और हिंदी भी, और जब मुझे ये पता चला कि आपने हिंदी में इसके गाने गाए तो वाकई में दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि बहुत आज के टाइम में इंडिया में ये फिल्म नंबर 1 अब ट्रेंड है। तो मुनव्वर जी कितना पहले तो प्राउड हो रहा है और क्या कहेंगे? इट्स रियली मेरे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है। मेरे पेरेंट्स बड़े खुश हुए थे कि कंतारा में, उनको तो पहले पता ही नहीं था, हालांकि तो उनको पता चले यार इतनी बड़ी मूवी है। और अभी भी कल ही मेरे अब्बा देख रहे थे मोबाइल और यार बहुत कंतारा के बड़े, बहुत हर एक दूसरा वीडियो कंतारा का है, बोले तुम्हारे गाने रिलीज़ हुए। मैंने कहा गाने रिलीज़ नहीं हुए, तो बोले मूवी में नाम हुआ। मैंने कहा वो एक्चुअली वो जल्दबाजी में थे तो हो सकता है उन्होंने नाम नहीं दे पाए। तो इस मूवी में मैंने 2 गाने गाए थे, एक तो जो सिंगारा सिरिए जो गाना है, और एक गाना और था जब इनके जो भाई होते हैं उनका इंतकाल हो जाता है, जब उनकी डेथ हो जाती है तब वो गाना आता है, एक सैड सॉन्ग होता है। तो ये 2 गाने मैंने गाए थे और मैं ज़रूर दोनों गानों की एक एक लाइन ज़रूर सुनाऊंगा मैं जी। बिल्कुल, पहले तो सिंगर है सीरी, आई थिंक वो जो गाने का आपने हिंदी किया था, टाइटल ट्रैक भी राइट जी जी बिल्कुल। तो उसका गाना वो हिंदी में ऐसा हो गया था जी, ओ मेरी जाने तू मेरी हो ना मैं ये जहाँ को बताऊँ, बंद हो जाए जो वो चेहरा तेरे ही पल के पाऊँ। ये गाना है, बहुत प्यारा गाना है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज़रूर सुने। और दूसरा एक गाना ये था, हाल क्या हो गया दर्द कोई दे गया, जख्म है हरा भरा देख तू। ये 2 गाने थे इस मूवी के जो मैंने गाए हैं हिंदी में, बट अनफॉर्चुनेटली वो शायद बहुत बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में तो मैं तालियां बजाऊंगा। दोनों गाने बहुत कमाल के आपने गाए हैं। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मे भी शायद जल्दबाजी में ये बात हो गई होगी, फटाफट फिल्म रिलीज़ हो गई होगी, लेकिन क्या है ना, एक सच्ची चीज़ को या सच्ची मेहनत को उसका हक मिलता है आज नहीं तो कल। और होमबाली फिल्म्स वैसे आज के टाइम में इंडिया में नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस अगर कह रहे तो कम नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है जब गाने रिलीज़ होंगे हिंदी में वापस से, जो शॉर्ट में लोग रिलीज़ करते हैं, उसमें आपका नाम ज़रूर होगा, मुझे ये पूरा उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं ज़रूर एक बात कहूँगा प्रोडक्शन हाउस से कि प्लीज़, सिंगर्स की भी बड़ी मेहनत होती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत जल्दबाजी में था, आई कैन अंडरस्टैंड वक्त नहीं मिला होगा, बट मुनव्वर अली नाम ज़्यादा बड़ा नहीं था। नहीं, क्या होता है कभी कभी 19-20 चीज़ें हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये जानना बेहद, आपको पता ही है कि हिंदी मार्केट में आज भी पब्लिक को टिकट नहीं मिल रही है कंतारा हिंदी की, और जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं सब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है इसके बाद आपको क्रेडिट भी मिलेगा और जो काम है वो तो ऑफकोर्स मिलता ही रहेगा। बिल्कुल, मुझे आपको प्राउड सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मसला है, सबसे बड़ा मसला ये हो गया था कि मुझे बहुत से लोगों का मैसेज कॉल्स आ रहे थे, मुनव्वर भाई कंतारा देख के आए, बट उसमें कुछ ज़्यादा ही सिमिलर आपकी जैसी आवाज़ उसमें हमें सुनाई दे रही है 2 गानों में, भाई आपने गाया है क्या? मैंने कहा जी भाई मैंने ही गाया। बोले यार तुमने नाम क्यों नहीं दिया? मैंने कहा भाई वो जल्दबाजी में थे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो उसकी एक छोटी सी क्लिप उन दोनों गानों की निकालें और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर जाके टैग करें, दी मुनव्वर अली नाम से है मेरा, TheMunewWWARALI। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे प्लीज़ टैग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, थैंक यू। जाते जाते यही कहना चाहूँगा दोस्तों, कंतारा बहुत बड़ी और कमाल की फिल्म है, और आप जब भी कंतारा फिल्म देखें या उसके बारे में टैग करें तो मुनव्वर अली जी का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है होमबाली फिल्म्स वाले जब हिंदी में गाना रिलीज़ करेंगे ना, आपका नाम ज़रूर डालेंगे, भरोसा रखिए। और क्योंकि मेहनत किसी की जायज़ जाती नहीं है, और होमबाली फिल्म्स ये अच्छी तरह जानता है दोस्तों। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया बात करिए बॉलीवुड के जी से मुनव्वर भाई, शुक्रिया 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 दोस्तों, शुक्रिया।